हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। जुड़ जाइए हमारे साथ अगर करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम करेंगे 28 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, बट उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली एक मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए ये करंट अफेयर्स लेके आता रहूं और आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह की कमी ना रहे, ठीक है। तो आज पहली न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NSA डोवाल टू लीड इंडियन डेलीगेशन एट बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग। अब NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि बहुत तेज तरार हैं, बहुत दिनों से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के लिए, और इंटेलेक्चुअल माइंड है बिल्कुल, ठीक है। इस बार ये इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। कहाँ पे? सिक्योरिटी चीफ की जो मीटिंग चल रही है, बिम्स्टेक मीटिंग। बिम्स्टेक मीटिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फोर्थ बिम्स्टेक मीटिंग चल रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। एंड इट इज़ एंड इनिशिएटिव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस बार जो है सिक्योरिटी चीफ की ये मीटिंग चल रही है, और सिक्योरिटी चीफ की मीटिंग का मतलब कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कहाँ हो रहा है? म्यांमार के अंदर। और म्यांमार की कैपिटल क्या है इस समय? नाइपीते, ठीक है, वट एवर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये 27 जुलाई को ये कंडक्ट हुआ है। एट द मीटिंग इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल, एंड ड्यूरिंग हिज विजिट टू म्यांमार अजीत डोवाल ऑल्सो मेट द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे अजीत डोवाल किससे मिले हैं? प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। जस्ट अ सेकेंड, एंड ड्यूरिंग हिज विजिट टू म्यांमार अजीत डोवाल ऑल्सो मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार सीनियर जनरल मिन योंग हिंग। इनसे ये मिले हैं, ठीक है, एज पार्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ। तो कौन है? मिन योंग हिंग जो है ये हैं आपके म्यांमार के सीनियर जनरल, ठीक है। सिक्योरिटी चीफ ऑफ इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक की मेंबर्स हैं। इनके सिक्योरिटी चीफ ने आपस में डिस्कस की, और डिस्कस जो थी वो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में पड़ती हैं उन सबके ऊपर ये सारी डिस्कशन हुई हैं। द मीटिंग ऑल्सो डिस्कस्ड मैटर रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म। यहाँ पे काउंटर टेररिज्म की भी बात हुई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो काउंटर टेररिज्म की भी बात हुई है, ट्रांजिशनल क्राइम, एंटी नारकोटिक्स प्रोसेसेस, मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, नेशनल सिक्योरिटी एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन सबके ऊपर डिस्कशन हुआ है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं तो बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1997 एज अ रीजनल ग्रुप, एक रीजनल ग्रुप के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग द लिटरल स्टेट्स। एक वर्ड आया यहाँ पे लिटरल स्टेट्स। लिटरल स्टेट्स क्या मतलब? कि जो स्टेट्स कोस्टल रीजन या फिर किसी वाटर बॉडीज के साथ बाउंड्री बनाती हैं उनको लिटरल स्टेट्स कहा जाता है। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में आने वाले ये सभी 7 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लिटरल स्टेट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये फॉर्मेशन हुआ है बिम्स्टेक का, इसके 7 मेंबर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड एंड म्यांमार। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश के अंदर। थोड़ी बहुत हम समझ लेते हैं कि म्यांमार क्या है। तो म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार को पहले कहा जाता था बर्मा, ठीक है। जब आपको याद हो कॉलोनियल पीरियड में जब भारत से सोल्जर्स जाते थे तो बोला जाता था कि सोल्जर्स को बर्मा भेजा जा रहा है, कॉलोनियल टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो ये बर्मा ही आज के समय का म्यांमार है, ठीक है। इट वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1937 अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि इंडिया से इसको सेपरेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। और बाद में इंडिपेंडेंस मिलता है ब्रिटेन से इनको 4 जनवरी 1948 में, हमारे एक साल बाद, आप समझ लीजिए लगभग एक साल नहीं 3-4 महीने बाद, अगस्त की बात हो रही है। तो एंड इट चेंज नेम्स टू म्यांमार इन 1989 एंड इट्स कैपिटल यांगून फ्रॉम रंगून, यानी रंगून से कैपिटल हो गया यांगून। कब? 1989 में। और फिर बाद में यांगून से कैपिटल हो गया नाइपीते इन 2005 में, ठीक है। अब आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है जनरल मिन ऑंग यांग।
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया टेक्स ओवर एज चेयर ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ADPC। अब ये ADPC क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। और इस बार कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है इस चीज़ को। होस्ट क्या, लीड कर रहा है। इससे पहले एक साल 2023-24 जो था वो चेयरमैनशिप थी किसके पास, चाइना के पास थी। तो पहले तो समझते हैं ये है क्या, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। जो भी डिजास्टर से रिलेटेड आज के टाइम में क्लाइमेटिक चैलेंजेस बहुत सारे आ रखे हैं, उन सब के ऊपर बातचीत हुई है 2024-25 एट द मीटिंग ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर। कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड। तो मीटिंग हो रही है बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, और चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इंडिया टुक ओवर द चेयरमैनशिप फ्रॉम चाइना विच वॉज द चेयरमैन ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर इन 2023-24। राजेंद्र सिंह जो है, ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। एज चेयरमैन राजेंद्र सिंह ऑल्सो चेयर द फिफ्थ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, जो कि बैंकॉक के अंदर ही 25 जुलाई को ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसके चेयरमैनशिप ट्रस्टी जो फिफ्थ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है इसका ADPC का, उसको भी इन्होंने चेयर किया है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ दिस अबाउट एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि ये एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर है क्या। इट इज़ सेट अप इन 1986 एज ए नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस रीजन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू एड्रेस एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल हजार्ड्स एंड क्लाइमेट चेंज इन एशिया पेसिफिक रीजन। इट ऑल्सो सपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस, कि क्लाइमेट रेजिलियंस को लेके ग्लोबल सपोर्टिव प्रोवाइड करता है। ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस, जब भी कोई डिजास्टर वगैरह होता है कहीं भी, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्रोवाइड किया जाता है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट CRPF रेजिंग डे 2024। इसकी डेट, हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को हम देखेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स अगर कोई है तो वो है CRPF, यानी सबसे ज्यादा आपको इसमें सोल्जर्स मिल जाएंगे CRPF के अंदर। तो इसका रेजिंग डे सेलिब्रेट हुआ है 27 जुलाई 2024 में, क्योंकि हर साल 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। And it always play a pivotal role in the internal security, maintaining the internal security of India. अगर हम बात करते हैं तो इनकी शुरुआत होती है July 27, 1939 से, यानी तब जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय नाम था इनका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, यानी एक तरह से ब्रिटिश मोनार्क जो हैं उनके पुलिस के रूप में ये पहले फोर्स बनाई गई थी। बाद में अगर देखा जाए तो इसमें चेंजेस हुए, ठीक है। द सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स, क्या चेंजेस हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोविजनल इंडियन पार्लियामेंट पास द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट इन 1949, और फिर इसको ऑन 28 दिसंबर 1949 नेम ऑफ फोर्स वॉज चेंज टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द CRPF एक्ट 1949। और आज के टाइम में मैं आपको बता दूँ, CRPF जो है बहुत सारे अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड है, इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, वहाँ भी ये अपना एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्सेज, जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेज यूनाइटेड नेशन की होती हैं, उसमें भी सर्व करते हैं CRPF के जवान, ठीक है। तो चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। CRPF वॉज मेड ए फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द होम मिनिस्ट्री। बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोर्स बनाया गया होम मिनिस्ट्री के तहत। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस CRPF प्लेड ए मल्टी फेसेटेड रोल अपार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बहुत सारा रोल प्ले करती है। इट हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तब भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब भारत के एकजुटता की बात आई थी। इट वॉज डिप्लॉयड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड चाइना। इट फॉट अलॉन्ग साइड द इंडियन आर्मी इन 1965-1971 इंडो पाकिस्तान के वॉर जो हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था CRPF ने। और बाद में इट्स रोल वॉज रीडिफाइंड एज द गवर्नमेंट सेट अप मोर स्पेशलाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज। बाद में रोल और रीडिफाइन हो गया क्योंकि बाद में चल के गवर्नमेंट ने बहुत सारे और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज बना दिए जिनकी स्पेसिफिक स्किल्स और स्पेसिफिक मतलब डिपार्टमेंट होता है। CRPF हैज़ ऑल्सो डिप्लॉयड आउटसाइड द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन
जैसे कि पीस कीपिंग मिशन में, जब मैंने आपको बताया लाइबेरिया, हयाती, नमीबिया, सोमालिया, मालदीव, कोसोवो, लाइबेरिया, यहाँ पे इन सब जगह पे कंट्रीब्यूशन दे रखा है। इट इज़ वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, 7 CAPF फोर्सेस में से एक है हमारी CRPF, असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, ये सब 7 वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जिसमें से एक CRPF है। CRPF हैज़ 4 स्पेशलाइज्ड यूनिट, 4 स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं, महिला बटालियन, कोबरा, RAF एंड VIP सिक्योरिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइन द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो भारत और USA के बीच पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट क्या है? जो एंटीक्विटीज़ हैं, जो एंटीक चीज़ें हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, कई बार चुरा लिया जाता है, इनकी बहुत वैल्यू होती है, कीमत होती है, और ये हमारे कल्चरल हेरिटेज के रूप में है, कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं कस्टम में, जैसे यहाँ से इंडिया से वो चीज़ भेजी जा रही है और USA के एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, तो अब उन चीज़ों को वापस इंडिया लाने के लिए ये एक तरह से साइन किया गया। ठीक है, सो इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जस्ट अ सेकेंड, हैव साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू स्टॉप द इलीगल ट्रेड इन इंडियन एंटीक्विटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द एग्रीमेंट वॉज साइडलाइन ऑफ द 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि उसी के साइड में ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ 26 जुलाई 2024 को। ठीक है, एग्रीमेंट विल हेल्प ब्रिंग स्मगल्ड इंडियन आर्टिफैक्ट्स इम्पाउंडेड बाई द अमेरिकन कस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया। एग्रीमेंट को साइन किया गोविंद मोहन, कौन है ये? सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अमेरिकन एम्बेसडर। इंडिया की तरफ से गोविंद मोहन थे जो कि सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, और अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गर्सेटी जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, हमारे जो देश के हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा इंडिया ने अब तक लगभग 358 एंटीक्विटीज़ जिस जो हैं उसमें से 345 रिट्रीव कर लिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 ऑफिशियली ओपन आफ्टर ग्लिट्जी ओपनिंग सेरेमनी हाइलाइट्स, कि अब पेरिस ओलंपिक ऑफिशियली ओपन हो गया है। जो जिसने भी ये फंक्शन देखा होगा, बहुत ही चमकदार, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, पेरिस के अंदर 33rd समर ओलंपिक है फॉर ओपन विथ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपनिंग सेरेमनी इन द फ्रेंच कैपिटल सिटी ऑफ पेरिस 26 जुलाई को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द समर ओलंपिक्स हिस्ट्री द ट्रेडिशनल ओपनिंग सेरेमनी वॉज नॉट हेल्ड इन ए स्टेडियम, यानी पहली बार ऐसा हुआ कि ये ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में नहीं, इट वॉज हेल्ड ओपन इन रिवर सीन, साइन रिवर जो है वहाँ पे ओपनली इसको एक तरह से ये सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडिया की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो 117 जो हमारी इंडियन साइड से कंटिजेंट गई हुई है उसमें से 78 लोग पार्टिसिपेट किए ओपनिंग सेरेमनी में। इंडियन कंटिजेंट वॉज लेड बाई 4-time ओलंपियन टेबल टेनिस प्लेयर, कौन है? शरद कमल के द्वारा इसको लीड किया गया, और साथ में 2-time ओलंपियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, इनसे बहुत उम्मीदें भी हैं, हो सकता है गोल्ड मेडल हमारे लिए लेके आएँ, और लेट्स प्रे कि बिल्कुल आना चाहिए। इस बार इंडिया का जो मेडल टैली है वो पहले से बेटर हो, यही हमारी इस बार प्रार्थना है। फॉर द अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, इट इज़ द 3rd time पेरिस इज होस्टिंग द समर ओलंपिक, हैविंग होस्टेड इन 1900, 1924 and 2024। ओपनिंग सेरेमनी वॉज कंडक्टेड ऑन साइन रिवर ऑन द हुज बैंक द सिटी ऑफ पेरिस लाइज, कि पेरिस जो है वो इसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। 6800 एथलीट्स एंड 90 बोट्स ट्रेवल्ड अ 6 किलोमीटर रूट थ्रू आउट द पेरिस, और फिर पूरी सेरेमनी उसमें हुई, तो बहुत मतलब मज़ेदार था एंड अनोखा, यूनिक भी था। As always, Greece was the first country to lead the opening ceremony, क्योंकि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई? ग्रीस के अंदर हुई। ठीक है, द होस्ट कंट्री फ्रांस वॉज द लास्ट टू एंटर द ओपनिंग सेरेमनी।
2024 पेरिस ओलंपिक, हर बार पूछा आता है, कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसका मैस्कॉट बनाया जाता है, तो मैस्कॉट कौन है ये पिक्चर देख लीजिए, इट इज मैस्कॉट इज ओलंपिक फायर, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट क्लियरली, इट इज डिजाइंड ऑन द ट्रेडिशनल फ्रेंच फायरिजियन हैट, वो हैट के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि सिंबल किस चीज़ का है, फ्रीडम एंड फ्रेंच रिपब्लिक का, ठीक है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन आप जानते हैं एक इतिहास रहा है जिसने पूरी दुनिया को एक लेसन दिया, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, ये इस बार का ओलंपिक का क्या है, इट इज़ द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑफ 2024। ये चीज़ें याद में रखनी है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्टेक बोर्डिंग, दीज आर फोर न्यू स्पोर्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन 2024 पेरिस समर ओलंपिक्स, ठीक है। यानी इस गेम में जो जीतेगा वो पहली बार ओलंपिक के अंदर इस पर्टिकुलर गेम में मेडल जीत रहे होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग वॉज हेल्ड, कहाँ हुआ है ये मीटिंग, नाई पीते म्यांमार के अंदर, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग, अजीत डोवाल ने किया है। वट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, नाई पीते। मेरे साथ साथ आप आंसर करते जाइए कमेंट बॉक्स में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। वॉट कंट्री डिड म्यांमार सेपरेट फ्रॉम इन 1937, किससे सेपरेट हुआ, इंडिया से सेपरेट हुआ। विच कंट्री हैज चेयर द एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर फॉर 2024-2025, बिल्कुल भारत ने किया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, कहाँ पे है हेडक्वार्टर, कहाँ देखने को मिलेगा, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। ऑन विच डे इज द CRPF रेजिंग डे ऑब्जर्व, 27 जुलाई को। CRPF कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विच कंट्री विथ इंडिया हैज साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, तो ये साइन किया हमने किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैस्कॉट क्या है इस बार के 2024 पेरिस समर ओलंपिक का, वो है आपका ओलंपिक फायर जो होता है वो देखने को मिलेगा, फ्राई प्रोनंसिएशन में मे बी नॉट करेक्ट। हु लेड द इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक, तो वो लेड किसने किया, पीवी सिंधु, और उनके साथ और कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।